मैं आकर इनको दाना पानी देता हूँ। ओहो हो, ये देखें, ये अंडा इन्होंने, इसने अंडा दिया और ये खुश। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है, गर्मियों में जो है थोड़ा सा मसला हुआ, कुछ चीज़ें आए हैं, आए मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। और वीडियो शुरू करने के साथ थोड़ा सा इनका खाने पीने का बंदोबस्त करते हैं। ओहो हो, ये देखें, ये अंडा इन्होंने, इसने अंडा दिया और ये खुश। अरे देखें, इसने अंडा दिया होगा और अंडा जो है ये तोड़ गई और तोड़ के पी गई। ये मेरी नज़र अभी अभी पड़ी, ये देखें आप, ये माशाल्लाह इसका पहला अंडा था। मैंने आपको बताया था वीडियो में कि इसके साथ मैंने इसको दोबारा जो है ब्रीडिंग के लिए छोड़ दिया है, तो ये इसका पहला अंडा था। दाना दोस्तों दिन में एक ही दफ़ा मैं देता हूँ, किसी भी टाइम, चाहे सुबह दें या दोपहर में दें या शाम में दें, किसी भी एक टाइम दें। ये कभी भी जो है दोस्तों भूखे नहीं मरेंगे, लेकिन ज़्यादा खाने से इनका पोटा बंद हो सकता है और ये बीमार होके इनको कुछ भी हो सकता है। दिन में एक टाइम खिलाएं, मंड के जितना खाते हैं खिलाएं इनको दिन में एक टाइम, बाकी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब मैं आपको चेक कराता हूँ, ये देखें, ये माशाल्लाह इसका फेस चेक करें, इसका मुंह काफ़ी ख़राब हो चुका था, आपको मैंने वीडियो में दिखाया था, बिल्कुल ज़ख्मी, खून में लथपथ, इसका चेहरा बहुत ख़राब हो गया। अब आप इसका चेहरा देखें, बिल्कुल साफ़ हो गया, थोड़े से बाल बस इसके नहीं है, वो भी इंशाल्लाह आ जाएंगे। तो इसके लिए मैंने किया ये था, होता है पायोडीन, वो मैंने थोड़ा थोड़ा इसके मुँह पर लगाया, इसके फेस पर, तो इसके ज़ख्म जो है जल्दी सही हो गए। और इसको थोड़ा सा नहला दिया मैंने, क्योंकि इसके काफ़ी इसकी हालत ख़राब थी ना, ये इसके देखें पाँव पे भी ज़ख्म आ गए थे, यानी इतनी बुरी तरह इनकी लड़ाई हुई थी कि इसके पाँव, ये देखें ना पीछे से, इसकी जो पाँव के जो कोने हैं वो भी शदीद ज़ख्मी हुए थे। बहरहाल ये बच्चे माशाल्लाह मेरे पट्टे जो कि देख रहे हैं आप, ये भी माशाल्लाह बेहतरीन हो गए। और अब मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास जो है नन्हे मुन्ने, ये देखें दोस्तों, ये दो चूज़े आए हैं, और बाकी जो चूज़े हैं, बाकी जो अंडे हैं उनका क्या हुआ ये देखें। बाकी जो है मैंने ये पिक्चर्स ली थी, इसके बच्चों की ये हालत हो गई थी, ये बच्चे तकरीबन कंप्लीट हो गए थे, लेकिन वही वाली बात है कि इसने अपने इन दो बच्चों के लिए उन बच्चों पर ध्यान नहीं दिया, और वो बच्चे जो है इस कंडीशन में, तकरीबन इसके पांच जो है अंडे इसी तरह के निकले, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसी तरह से, यानी अगर मुश्किल से इस पर थोड़ा सा और ये बैठ जाती एक दिन तो इस वो बच्चे भी बच जाते, लेकिन ये नहीं बैठी, सारे बच्चे इसी तरह जो है सारे अंडों में यही कंडीशन निकली, तो वो अंडे मैंने फेंक दिए। और ये दो बच्चे माशाल्लाह से देखें ये निकले इसके, और अभी जो है ये फीड वीड खा रहे हैं और एक्टिव हैं, शुरू में थोड़े सुस्त थे तो मैंने इनको दबा के गुड़ का पानी पिलाया, जिससे ये माशाल्लाह एक्टिव है। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने आज बनाई है, अब मज़ीद आपको और अपडेट दूंगा। दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें प्लीज़, और थोड़ा सा कोई बात हो, कुछ कहना हो आपको या कुछ मुझसे पूछना हो तो कमेंट ज़रूर कर दिया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।